सभी की शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सभी पे असीम कृपा करें। मैं शिवांगी और आप देख रहे जनहितैषी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है तो सबसे पहले मैं आपसे एक अहम जानकारी साझा करना चाहूँगी कि शक्ति की उत्पत्ति हुई कैसे और नवरात्रि जो हम मनाते हैं क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है। तो इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम पहुँचे हैं लुधियाना के डंडे स्वामी मंदिर में, जहाँ पर आचार्य सोहन वेद पाठी जी से ये तमाम जानकारियाँ हम हासिल करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इनका स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी महाराज। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नवरात्रि जो हम मनाते हैं इसका महत्व क्या है और शक्ति की उत्पत्ति हुई कैसे। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सभी पे असीम कृपा करें और इस संसार में व्याप्त तमाम महामारी उनकी कृपा से नष्ट हो, हम सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम वार्ता प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा इन्होंने पूछा कि भवानी की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए जो स्वयं शक्ति है उसका एक नाम है आद्या। आद्या का मतलब जिससे सब कुछ प्रारंभ होता है, उसके पहले कुछ भी संभव नहीं है। तो वह आद्या भी है, फिर भी कालांतर में अलग अलग मन्वंतर के आधार पर यदि देखा जाए तो उनकी उत्पत्ति की भी कथाएं प्राप्त होती हैं। एक कथा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि जब ईश्वर, जिसका कोई विभक्त रूप नहीं था, वे सृष्टि के संचालन की इच्छा से जगदम्बा ने उनको प्रकट किया और कहा कि मेरे साथ सृष्टि प्रारंभ करो। तो वहाँ पर भगवती अकेली रूप में थी और ईश्वर ने तीन रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम रुद्र के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर प्रश्न ये हुआ कि मैं तो तीन रूप में हूँ, आप एक रूप में हो, तो यह कैसे संभव है। दूसरा प्रश्न कि माँ के साथ जो उत्पत्ति करने वाली थी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन सभी की उत्पत्ति करने वाले थे, उनका मानना था कि ये हमारी माता हैं, तो इनके साथ मैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए वहाँ पर तीन रूप में विभक्त हुए, भगवती भी अपना तीन रूप प्रकट की। चलो अब मेरा मूल रूप नहीं है तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और जिसको हम पार्वती कह लेते हैं, सती कह लेते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में जानते हैं उनको, तो तीन रूप में हुए और तीनों ही देवों के साथ अलग अलग रूप से सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो शक्ति का मतलब ही होता है जिसके बिना कोई भी जड़ वस्तु चैतन्यता को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना है, किसी इंजन की शक्ति को मापने के लिए हम कहते हैं कि 5 हॉर्स पावर, 6 हॉर्स पावर या 10 हॉर्स पावर का है। वस्तुतः उस इंजन में हॉर्स पावर कहीं दिखाई नहीं देता, वह एक ढांचा दिखाई देता है कि लोहे का बना हुआ एक ढांचा है, लेकिन उसके अंदर जो एक उष्मा उत्पन्न होती है, उससे जो ताकत जनरेट होता है, वही शक्ति है। आज जो मैं बोल रहा हूँ ये शक्ति की ही कृपा है कि बोल रहा हूँ। अगर वह कृपा अपनी समेट लें तो निश्चेष्ट जो शरीर है वह शक्ति से रहित हो जाएगी और इस शरीर का कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे ही देव हैं, चाहे वो महादेव ही क्यों ना हो, शक्ति के बिना वो महादेव नहीं है। तो ये शक्ति की उत्पत्ति संक्षिप्त में हमने आपको बताया और आगे जैसा आप पूछें। हम ये जानना चाहेंगे कि शक्ति की उत्पत्ति के बारे में आपने तमाम जानकारी तो दे दी, लेकिन हम शक्ति को की ही भक्ति क्यों करते हैं, क्या मतलब क्या महत्ता है, हम क्यों कंज का पूजन करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि शक्ति की उपासना क्यों जी? मैंने बताया आपको, शक्ति से रहित व्यक्ति निश्चेष्ट हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह स्पंदन भी नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। तो हमारे अंदर जो व्याप्त जो शक्ति है वह सुप्त अवस्था में ना चली जाए, उसे हम समय समय पर जागृत करते रहें, इसलिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। और अपने अंदर उस सुप्त शक्ति को जागृत अवस्था में लाने के लिए ही इस नवरात्रि में या आम दिनों में भी भगवती जगदम्बा शक्ति की उपासना की जाती है। अब प्रश्न यह है कि शक्ति का स्वरूप कन्या को क्यों माना गया।
और उसकी पूजन क्यों करते हैं जी। तो ज्योतिष के अनुसार अष्ट वर्षे भवेत कन्या, 8 वर्ष तक ही किसी भी लड़की को कन्या माना गया है। 8 वर्ष के बाद मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करती है और शास्त्र भी ये कहता है कि वह कभी भी रजस्वला हो सकती है। तो जब स्त्री रजस्वला हो जाती है तो वह कन्या की उपाधि खो देती है, उसे कन्या नहीं कहा जाता, तो वह साक्षात जगदम्बा का रूप है और इसीलिए भगवती का रूप होने की वजह से ही उनकी पूजा की जाती है और तमाम मनोकामनाओं का उसे पूर्ण हो जाता है। इसमें एक और भेद है कि 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक अलग अलग कन्या और अलग अलग वर्ण की कन्याओं की पूजन का महत्व भी बताया गया है। तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो कन्या है वो साक्षात जगदम्बा का रूप है, लेकिन कन्या पूजन में 8 वर्ष तक की ही कन्या लेनी चाहिए। महत्व क्या है, क्यों कन्या पूजन के रूप में हम माँ शक्ति की पूजा करते हैं? भगवती जगदम्बा अगर आप देखें तो वैष्णो देवी में भी अगर जाएंगे तो वहाँ भी कन्या रूप में ही विराजमान है, तो कन्या का रूप इनको बहुत ही प्रिय है और इसीलिए उसके कन्या का पूजन किया जाता है। तो इस बार नवरात्रि में हम जब कन्या पूजन करेंगे तो कन्याओं के लिए हम क्या कुछ खास कर सकते हैं? देखिए, पूजन करना तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि पूजन का जो वास्तविक अर्थ है वह उसके प्रति सम्मान प्रकट करना। किसी भी व्यक्ति को अगर आप सम्मान देते हैं, उसका सत्कार करते हैं, तो वह उसका पूजन है। जैसे अतिथि का हम सम्मान करते हैं, पूजन में अपने इष्ट का, अपने आराध्य देवता का सम्मान करते हैं, वैसे ही यदि आप समस्त कन्याओं को सम्मान देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी रक्षा करने का प्रण लेते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ कन्या पूजन तो यही होगा। केवल साल में 2 दिन अष्टमी नवमी को, चाहे वासंती नवरात्र हो या शरद नवरात्र हो, 2 दिन उनको कुछ प्लास्टिक के बर्तन, कुछ खाने पीने की चीज़ या चने या हलवा खिला देने से वास्तव में उनका पूजन नहीं होता। वास्तविक पूजन तो तब समझें जब उनके प्रति हम सम्मान प्रकट करें, उनके रक्षा का दायित्व लें, क्योंकि स्त्री हमेशा रक्षा करने योग्य है। जब वह बाल्यावस्था में होती है तो अपने पिता के द्वारा रक्षित होती है, जब युवावस्था को प्राप्त होती है तो उसके रक्षा का दायित्व उसके पति पर आ जाता है, लेकिन वही जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है, पति उसका समर्थ नहीं होता उसकी रक्षा करने में, तो उसके रक्षा का दायित्व उसके पुत्र पर आ जाता है। वह हमेशा रक्षा के योग्य है, इसलिए हम जब उनकी रक्षा करेंगे तभी वास्तविक कन्या पूजन संभव हो पाएगा। एक समाज की कृति या फिर जो समाज में सबसे बड़ा दोष अभी लग रहा है, एक तरफ कन्या पूजन की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कन्या पर शोषण भी हो रहा है, तो उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। मैंने यही तो कहा कि वास्तविक कन्या पूजन तो तब माना जाएगा जब आप उनके प्रति सम्मान प्रकट करेंगे और उनके रक्षा का दायित्व आप निर्वहन करेंगे। जब तक उनकी रक्षक न बनकर आप भक्षक बने रहेंगे तो उस कन्या पूजन का कोई महत्व नहीं बनता। आए दिन समाचार और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से यह पता चलता है कि तरह तरह के हादसा और विभत्स कृत्य उनके साथ किए जाते हैं, तो क्या वास्तव में हम उसके योग्य हैं? क्या हम पुरुष कहलाने योग्य हैं? नहीं। पुरुष का मतलब होता है कि पौरुष, और पौरुष वहाँ दिखाना चाहिए जहाँ पर किसी पे अत्याचार हो उसकी रक्षा करके, किसी पे अत्याचार करके पौरुष नहीं दिखाया जाता। तो इसलिए मैं समाज से अपील करूँगा कि वास्तविक कन्या पूजन उस दिन समझें या अपने आप को तब माने कि कन्या पूजन करने का अधिकारी हैं जब आप उसकी रक्षा करने में समर्थ हो सकें। बेशक नवरात्रि के रूप में हम कंजुगा पूजन करते हैं, माता की शक्ति की हम जब भक्ति करते हैं तो हम कन्या के रूप में हम उन्हें पूज के पुण्य कमाने की सोचते हैं, लेकिन समाज की जो कृति है, जो बहुत बड़ा एक कलंक है समाज पर, जो महिलाओं पर शोषण हो रहा है, उसे भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और महिलाएं कितनी सुरक्षित है अखबारों की सुर्खियां ये बयान करती हैं। तो अगर वाकई में नवरात्रि सही बनाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं शक्ति की, तो नारी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी महाराज तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही आप बने रहें जनहितैषी के साथ और हम आपसे साझा करते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट। कैमरामैन हरजीत के साथ मैं शिवांगी अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद।